जनाब, राइजिंग पाकिस्तान में बड़ा सीन ऑन होने वाला है आज, है ना? वो जो मॉर्निंग शोज शादियां करवाते हैं, मुझे लग रहा है हम वो भी कोई एक आध शादी हम भी करवा देते, क्योंकि बाकी लवाजमात सारे पूरे बिल्कुल हम जरा भी फील ला रहे हैं शादी की, अभी फील ला रहे हैं। भाई आज राइजिंग पाकिस्तान में हमारी बड़ी मजेदार पसंदीदा मनवा सिस्टर्स आई हैं, जो कि मशहूर हैं आजकल सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा वायरल होती है इनकी वीडियोस, टप्पों के एतबार से, ढोलक के ऊपर जो हमारा पंजाब का फोक गाने गाए जाते रहे, खासतौर पे शादियों के हवाले से, उस कल्चर को इन्होंने रिवाइव किया है। और आजकल ये अब अपने नए अपने एक्चुअल नई प्रोडक्शंस के ऊपर भी काम कर रही हैं। इनको भी मेरा ख्याल नहीं पता था कि ये अचानक इतनी मशहूर हो जाएंगे। चले इनसे गप लगाते हैं। फौजिया, सबा और जिले हुमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा भाई, ये क्या पता था कि इतना मशहूर हो जाओगे तुम लोग? सबा बताओ तुम। हाँ जी, पता था। पता था। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और इंशाल्लाह और भी हो जाएंगे, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कोशिश में लगे हुए हैं, बाकी मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला इसका फल देगा। बिल्कुल। अच्छा, कैसे रिहर्सल होती है, प्लानिंग कैसे होती है फौजिया, कि कौन सा गाना, कोई पुराना फोक कैसे निकालना है, क्या करना है? हम तीनों मिलके बैठती हैं और बाज़ों का घर वालों से भी, उनसे भी मशवरा लिया जाता है, अम्मी से पूछा जाता है, आप बताएं कोई, आप कोई ज़माने के जो सॉन्ग्स थे, क्योंकि हमारा शौक है तीनों का कि हम जो हमारी कल्चर पुराना, जो लोग अब भूल चुके हैं तकरीबन, उसको हम दोबारा रिवाइव करें, वो सारी चीज़ें हम दोबारा आगे लेके आएँ, ताकि लोग सुने कि हमारा जो ट्रेडिशन है हमारा म्यूज़िक में, वो कितना रिच है, स्पेशली फोक, पंजाबी फोक। हाँ। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इसमें जितना काम कर सकें तो हम ज़रूर करें। और इनकी इस कोशिश से सबसे जो एक मेन जो एक फ़ायदा है वो यंग लॉट को ये होगा कि पुराने गाने या टप्पे मेरे ख्याल से किसी बच्चे को पता ही नहीं थे, बिल्कुल, लेकिन आप लोगों की वजह से वो इतना ज़्यादा इंस्टा रील, इतना कुछ हो रहा होता है कि उसकी वजह से सबको टप्पे अब जुबान पर ऐसे होंगे। बिल्कुल। और ऐसा हो रहा है कि अभी रिसेंटली हमने गाना गाया सुए वचीरे वाले, और वो किसी को भी नहीं पता था कि वो गाना भी कोई है, मतलब लोग हमें कह रहे हैं कि ये गाना पहले लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा वायरल हुआ, उसके बाद लोग उसको बना के ना कॉपी पेस्ट मतलब वो पुराना लगा के फिर नया हमारा लगा के, अब लोगों को तो पता ही नहीं था कि पहले भी था ये मुसरत नजीर साहिबा ने गाया हुआ था, तो लोगों ने अब देखा है कि अच्छा ये तो पहले भी गाया हुआ था मुसरत नजीर साहिबा। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल है वो हमारे पीटीवी ही की प्रोडक्शन थी जिसपे। अच्छा हुमा, ये बताओ कि क्या मतलब ये म्यूजिक आप जिस जनरेशन से हैं उसको तो जनाब को गिटार पकड़ के कोई मॉडर्न म्यूजिक, लेकिन आप तीनों ने फैसला ये किया कि हम ओरिजिनल पंजाबी फोक में जाएंगे। या क्योंकि हम फैसलाबाद से ताल्लुक रखती हैं, कुछ वो अंग हमारे अंदर था, वो पंजाब, वो रिच हमारी लैंग्वेज जो पंजाबी है, और फिर कुछ हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि हमारे फैमिली में पंजाब के फोक म्यूज़िक को बहुत फोकियत दी जाती थी, और हमने सोचा कि हम पंजाबी और फोक को लेके चलते हैं और पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं एक बहुत अच्छे वे में। सो कव्वाली वाली क्या कहानी है? कव्वाली जो है, क्योंकि हम तीनों इकट्ठा गाती हैं, तो कुछ भी गाएं तो लोग कहते थे कि लग रहा है कि कव्वाली गा रही हैं, ये लग रहा है जैसे कोरस हो रहा है, इनफैक्ट कोई गज़ल बहुत सैड भी गा रहे होते थे तो लगता था कव्वाली गा रही है तो वो इसलिए लगता है कि यार ये जैसे कव्वाली गा रही है, तो कव्वाली भी एक समझ ले कि एक फोक या एक रिच म्यूज़िक का एक जॉनरा है, और सो वो भी लोगों को लगता है, वो भी हमारा बड़ा अच्छा। वैसे भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को हमने बहुत शौक़ से सुनते हैं उनकी कव्वालियाँ, और काफ़ी हमने उनकी कवालियां कवर भी की, गाई, तो शायद इस वजह से भी लोगों को जो है वो एक कवालिया की ये कवाली गाती हैं। अच्छा भी फौजिया, सबा और हुमा आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो सिर्फ गपशप ही नहीं होगी कि तीनों बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत बोलती हैं, है ना? अभी मेकअप रूम में मुझे तो समझ में आ गया था, एक मिनट भाई, एक बोले पहले किसकी सुने? एग्जैक्टली शुक्र करें हम बोल रहे थे, हम लड़नी पड़ी। अच्छा अगला स्टेप वो होता है, लड़ाई भी होती है? नहीं नहीं, अब नहीं होता, पहले होता था, क्यों झूठ बोले? यस, पहले होता था, पहले होता था, अब नहीं होता, अब हम लोग इशारों में लड़ते हैं। पहले कहते थे इसका आंसर मैंने करना था तुमने क्यों किया, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने करना था तुमने क्यों किया, पहले इस बात पर लड़ाई में भी डेवलपमेंट आ चुकी है, लड़ाई भी मैच्योर हो गई है, प्रोफेशनल हो गई। तो वो अब जिक्र अभी तुम करी थी सुए वे चीरे वाले, मेरा ख्याल उसी से शुरू करते हैं। सुए वे चीरे वाले, सुए वे चीरे वाले, मैं कहनिया कर छतरी दी छावे छावे बनिया, कर छतरी दी छावे छावे बनिया, मापिया ने चुन लिया साथी बन तेरा, जिंदड़ी तो प्यारा हूं प्यार मैनू तेरा,
रख कदमा दे कोल में पैरी पहनिया, रख कदमा दे कोल में पैरी पहनिया, कर छतरी दी छाम छावे बहनिया, कर छतरी दी छाम छावे बहनिया, सुए बचीरे वाले हमें कहनिया, सुए बचीरे वाले हमें कहनिया, कर छतरी दी छाम छावे बहनिया, कर छतरी दी छाम छावे बहनिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा भाई, जो टप्पों की कहानी है इसका कोई बैकग्राउंड बताओ। ये तो मेरा ख्याल है साल हा साल सदियों से ही इस पंजाब का कल्चर रहा है ना, शादी ब्याह पे टप्पे गाए जाते हैं। इसकी कोई बैकग्राउंड पहले होती ही ढोलकी और ये चीजें, ढोलकी पे बैठ के टप्पे गा रहे हैं आप लोग, वापस लेकर आए हो ढोलकी और ये टप्पे वगैरह। टप्पे वगैरह ये इस तरह की चीजें हैं कि ये पुराने वक्तों में, यानी कि हमारे अम्मी और नानों बताया करती थी कि किस तरह से पुराने वक्तों में लोग बैठते थे आपस में और गाना गाते थे, गुनगुनाती थी औरतें, और वही टप्पे आज तक होता था कि चले आ रहे हैं। अभी की शादी में तो ये है ना कि फंक्शन आया, हम घर से रेडी होके बिल्कुल एक फंक्शन की इवेंट के ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन पुराने वक्तों में एक एक महीना पहले, दो दो हफ्ते पहले लोग रिलेटिव्स वो गांव में आ जाते थे, वो रहने का ढोलकी रखना, और डेली शाम को वो सारी उनकी औरतें वो बैठती थी और वो एक सेलिब्रेशन करती थी कि हमारे इस घर पे एक सेलिब्रेशन होने वाली है, एक शादी होने वाली है, वो खुशियों को सेलिब्रेट करते थे। बेशक एक महीना पहले से वो स्टार्ट करते थे, लेकिन अभी तो हम लोगों के पास क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट हो चुका है, हम जस्ट वो इवेंट की डेट के ऊपर हम जाते हैं, चाहे वो मेहंदी है, चाहे वो हल्दी डे है, कोई भी है, तो हम उस टाइम पे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा तैयारी अगर होती है तो वो कोरियोग्राफ डांसों की होती है। Exactly. मुझे उस पे इतराज कोई नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ढोलकी रखना बड़ा जरूरी है। यही खूबसूरती है और इसी से ही फंक्शन ज्यादा प्यारे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो 7 दिन की ढोलक बन गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 3 दिन की ढोलक बन गई, और अब खत्म, अब तो खत्म ही हो चुका है ये ट्रेंड। लेकिन अभी भी जो ढोलकी कहते हैं जी, वो फलाने के घर वो ढोलकी है, और जाओ तो डांस पे, जाओ तो सिर्फ डांस हो रहा है, ढोलकी नजर नहीं आती। बिल्कुल, वो ऐसे ही ढोलकी कहते हैं, लोगों को मतलब इतना भी अवेयरनेस नहीं आ रही कि ढोलकी कौन सी है और डांस प्रैक्टिस कौन सी है, फर्क क्या है। इतना हमारा कल्चर पीछे रह चुका है। बिल्कुल, अब जरा हो जाए टप्पों का कोई सीन है फौजिया, तो लीड करो ना भाई, कोई मजे मजे के हमें टप्पे सुनाओ। तो वो तमाम घर जहाँ पे ढोलकी रखी गई है, आपने भी हमें बताना है कि आपके यहाँ शादी किस तरह की होती है, प्रॉपर ढोलकी वाली होती है या डांस वांस करके फारग हो गए? तो आपने भी इन टप्पों में अगर कुछ ऐड करना हो, इनसे आइडियाज लेने हो तो आप ले सकते हैं। अच्छा, आपको टप्पे आते बहुत ज्यादा? जाहिर है बचपन में और जवानी में हमारे घरों में भी कजन्स वगैरह की शादियां वादियां, तो और पंजाब में ये भी बड़ा खूबसूरत कल्चर था कि ढोलकी रखी जाती है, सिर्फ नहीं कि लड़कियां, घर के जो लड़के होते थे क्लोज फैमिली सब लोग डांस भी कर रहे हैं, ढोलकी बजाते भी लड़के, बहुत अच्छी। अच्छा जी, टप्पे सुनाए। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सद के तेरे ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सद के तेरे ते, दो कारा बजाराया, दो कारा बजाराया, चिड़क ना देवी सोने अखा करन दीदाराया, चिड़क ना देवी सोने अखा करन दीदाराया, कुंडा लग गया थाली नू, कुंडा लग गया थाली नू, हत्था उते मेहंदी लग गई किसे किस्मत वाली नू, हत्था उते मेहंदी लग गई किसे किस्मत वाली नू, कुंडा लख सवा लख दाए, कुंडा लख सवा लख दाए, आगे तीनों को नहीं आ रहा गड्डिया गई स्टेशन ते, गड्डिया गई स्टेशन ते,
फराहट वे बाबू सानू माया वेखण दे, फराहट वे बाबू सानू माया वेखण दे। हम लोग के साथ ना कई दफा ऐसे होता है, हम लोग भूलते हैं तो इकट्ठा भूलते हैं। कैसी बात है ये? नहीं, लेकिन देखो ये भी वही बात है कि ये टप्पे हमारे पंजाब के कल्चर का ऐसा हिस्सा है कि सबको, अब जैसे आप बोले तो मुझे याद था कि इसका अगला क्या है। तो फातिमा तुम जो पूछ रही थी ना, आपको टप्पे आते हैं, मैंने इसका मतलब झूठ नहीं बोला था, है ना? मुझे आते हैं। शादियों पे ऐसे ही होता है कि अगर कोई तीन चार को भूल जाए तो बाकी लोग उसको पिक कर लेते हैं, और मुकाबला भी टप्पों का इसी तरह चल रहा होता है ना। हां, सभा क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ इतने सारे टप्पे हैं, ये तो एक से एक निकलता जाता है, और कभी कोई किसी को याद आता है, फिर किसी को कोई किसी को, इस तरह से सारे वो इसी तरह। और पूरी पूरी शाम मतलब बैठ के जहाँ ढोलकी रखी होती है वो की जाती है। अच्छा जी, अब जरा थोड़ा सा हमें बताए कि आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या, माशाल्लाह तीनों ने मास्टर्स किया हुआ है, जी बिल्कुल है, और क्या क्या करती हैं, क्या मतलब ये तो म्यूजिक तो अब जरा आपका पॉपुलर हो रहा है ना, लेकिन प्रोफेशनली क्या क्या किया हुआ है? फौजिया आप बताएं अपने बारे में। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, मतलब जॉब भी साथ साथ चल रही है और म्यूजिक भी साथ साथ चल रहा है। ओके, पंजाब गवर्नमेंट की? हाँ जी, पंजाब। अच्छा, गुड। और सबा आप? और सर मैं अभी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉब कर रही हूँ, और थोड़ा सा पार्ट टाइम में मेरा फोरेक्स का भी काम है, फोरेक्स ट्रेडिंग भी करती हूँ मैं। ओके, और इसके अलावा सिंगिंग तो है, प्रोफेशन भी है, जुनून भी है, शौक भी है, सब कुछ ही है। और बाकी कामों की टेंशन भी इसी से खत्म हो जाती है, इसी से खत्म हो जाती है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा हुमा? एंड मैंने तकरीबन 10 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, और उसके बाद रिसेंटली आई गॉट मैरिड, सो मैंने रिज़ाइन कर दिया, और अभी ये है कि हमारा अपना एक प्रोडक्शन हाउस है, हम म्यूज़िक बनाते हैं, वीडियोस करते हैं, डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं, लाइक अब हम अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। गुड गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा बचपन के बारे में बताएं जी कि बचपन का, मैं जब से पीटीवी पे आई हूं तो मैं आपको देखा हूं बचपन, या मैं तो बचपन में जा चुकी हूं, मैं ऐसे बैठती मैं कहती हूं ये तो वो ही है जो बचपन में कार्टून्स लगा करते थे ना राइजिंग पाकिस्तान में, तो मैं बैग लेके खड़ी होती थी कि जल्दी जल्दी से कार्टून आए, मैं 5 मिनट का सेगमेंट होता था वो लगेंगे तो अब्बा जी हमारे वो नाराज हो रहे होते थे कि बाहर वैन है वो चला जाएगा, चलें जाएं स्कूल से लेट हो रहे हैं, लेकिन मैं वो 5 मिनट का सेगमेंट देख के जाती थी। और समटाइम जब कभी छुट्टी करते थे स्कूल से तो वो एक मैडम नूर जहां जी का गाना लगता था प्रोग्राम में ना, कभी सोचा ही नहीं था कि वो प्रोग्राम जो बचपन में देखते थे बहुत शौक से, और उसके होस्ट सामने होंगे, इंटरव्यू ले रहे होंगे, हमसे बात कर रहे होंगे, ये सोचा ही नहीं था। तो मैं तो उसी ख्यालों में हूँ जब से मैं पीटीवी पे आई हूँ कि यार ये मैं कहाँ आ गई हूँ। बिल्कुल, एक लॉन्ग जर्नी जो कि हमने तय की है यहाँ पहुँचने की। एग्जैक्टली, मैं ये कहने लगा था कि उस वक्त आपको अंदाजा नहीं होता ये आपका पैशन है, ये आपका आपकी की ऑनेस्टी होती है अपने काम के साथ, चाहे आप मौसीकी में हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो। मुझे एक और बात याद आ रही है, क्योंकि कभी रावलपिंडी इस्लामाबाद देखा ही नहीं था, तो आप अनाउंसमेंट करते थे ना प्रॉपर एक कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आप 051। तो मुझे ना वो फिक्रा भी याद था कि अच्छा जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर से करेंगे वो 051 थोड़ी देर बाद जिले हुमा नंबर भी बोल रही है। नहीं भाई हुमा वाकई मेरे शो की फैन। खत लिखने का एड्रेस भी बताते थे कि खतो कताबत का सिलसिला, खत अगर आपने लिखना है तो इस एड्रेस पे भेजिएगा। अच्छा मैं तुम्हें एक बजे की बात बताऊं, ये तुमने जो बताया ना कि जाहिर है उस वक्त कोई मोबाइल फोन का दौर नहीं था, 051 का लैंडलाइन पे कॉल आता। मेरा शो उससे भी पुराना है, वो तुम उस वक्त नहीं थी, तो अपने अब्बा से जाके पूछना, वो बताएंगे कि हाँ वो बैठ के बताया, उस वक्त सिर्फ कबूतर खत लेके जाया करते थे। तो मैं अनाउंस करता था कि कबूतर को आप चोंच में खत पकड़ाएं और फिर वो कबूतर खत लेके आएगा। कबूतर किस नस्ल का होना चाहिए? हाँ वो फिर वो देख ध्यान से कबूतर को एड्रेस पता हो पीटीवी का, मैं इतना पुराना हूँ, तो ये तो 051 तो कल की बात लग रही है मुझे। अच्छा जी, फौजिया सबा और हुमा हमारे साथ मौजूद है, गपशप में वक्त गुजरने का पता ही नहीं लग रहा हूँ। कंट्रोल रूम कह रहे हैं वो भी सब एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं लेकिन ब्रेक पे भी जाना है। कमर्शियल ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अभी वापस आते हैं, और अभी इनसे कुछ एक दो फोक सॉन्ग्स और सुने।
जी वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक ढोलकी फील्स है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वैसे मैं सोच रहा हूं ढोलकी एक्चुअली भी होनी चाहिए, है ना? ढोलकी होनी चाहिए। आई कैन प्ले ढोलक, है ना? बहुत अच्छी ढोल प्ले। अच्छा ढोलकी बजाती हो? हो भाई, लेकिन वो ढोलकी रख लेते ना, फिर हमें हमारे सब लोग ये कहते हैं भाई आपके शो में वो शादियां वादियां नहीं होती। तो मैं अब वो फिर सबने कह रहा था कि इन्होंने भी शादियां करानी शुरू कर दी। नहीं, लेकिन देखिए हमने कहा था हमने ढोलकी कराई जो आप लोग नहीं कराते, और जो ढोलकी बंद हो गई है हम उसको वापस ला। अच्छा भाई, कुछ पुराना कोई फोक कोई मजे का शेयर करो। जरूर, एक पुराना फोक सॉन्ग है चंद कितना गुजारे रात वो हम आपके, बिल्कुल वो सुना देते हैं। मेरा जी दलीला दे आया, क्या शायरी है, मेरा जी दलीला दे बात। चंद कितना गुजारे आई रात वे, मेरा जी दलीला दे बात वे। चंद कितना गुजारे आई रात वे, मेरा जी दलीला दे बात वे। चन कित्था गुजारी आई रात वे, कोठड़े ते कोठड़ा माए कोठे सुक दिया तूरिया, कोठड़े ते कोठड़ा माए कोठे सुक दिया तूरिया, कल्ले आराता जाग के असा कटियां तेरियां दूरियां। चन कित्था गुजारी आई रात वे, मेरा जी दलीला दे बात वे। चन कित्था गुजारी आई रात वे, मेरा जी दलीला दे बात वे। चन कित्था गुजारी आई रात वे, हाय रात वे। वाह जी वाह वाह, कालियां रातां जाग के असां फड़ियां तेरियां चोरियां। oh. ये वाला वर्जन भी है पुराने वक्त का। ओह माय गॉड, वाओ। कोठे सुख दिया तोरियां, कालियां रातां जाग के असां फड़ियां तेरियां चोरियां। वाह वाह, ये इधर मतलब पत्थर के जमाने का बंदा बैठा हुआ है, इधर बहुत कुछ जखीरे में से निकलेगा, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा ये बताओ कि आपके माशाल्लाह और बहन भाई भी हैं, और आपकी जो सबसे छोटी बहन है मरियम वो आप लोगों की मैनेजर है। जी, ये जरा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी बताओ। इस पर कैमरे के पीछे बैठी मुस्कुरा रही है, उसको भी हमने कहा था, उन्होंने कहती नहीं 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 मैं कैमरे के सामने, मुझे स्टारडम का कोई शौक नहीं है। ये कैसा सीन है कि बहन मैनेज कर रही है बाकी बहनों को? पहले बहन मैनेज नहीं कर रही थी, पहले हमारे मैनेजर कोई और थे, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके थे, लाइक हमें किसी बात का पता नहीं चलता था, यू नो कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। सो वी थॉट के वाई नॉट मरियम, इफ मरियम कैन मैनेज अस देन वाई नॉट। सो हमने मरियम से रिक्वेस्ट किया कि इफ यू वांट टू मैनेज अस प्लीज डू, एंड शी सेड कि ओके फाइन, फिर मेरा ये सिलसिलाकार होगा, मेरा मार्जिन ये होगा, मेरी परसेंटेज मेरी परसेंटेज ये होगी। परसेंटेज नहीं लेती वो, अपना प्रॉपर जैसे एक जॉब है उस तरह। भाई देखो वो पढ़ी लिखी लड़की है, अगर वो जॉब कोई भी करेगी तो उसको सैलरी मिलेगी, तो तुम लोगों से क्यों नहीं? तो तुम लोग ये कि जब आप लोग काम कर रही थी तो मैं ऐसे बैठी बोर हो रही थी, मुझे कि नफलों का सवाब है। नो नो, ये पहली दफा मैंने सुना बोरियत के पैसे मिलते हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि लाइक हम परफॉर्म कर रही हैं तो हमें जो भी मिलता है तो हम इक्वली डिवाइड करती हैं। नो, वी डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स। वाह जी, ये देखो ये मुझे बड़ी खुशी। बल्कि वो ये कहती है कि आप लोगों से ज्यादा काम मेरा है। अच्छा, मेरी वजह से आप लोगों को काम मिलता है। नहीं नहीं, वो ये नहीं कहती, वो पूरा जुमला बताओ, वो कहती है मैं आप लोगों का मैनेज भी करती हूँ, जो आपको काम मिलता है उसको भी मैनेज करती हूँ, और फिर आप तीनों को बर्दाश्त भी करती हूँ। बर्दाश्त भी करती हूँ। अच्छा जी, कुछ सुनाओ जी। ये कैसे सोचा कि आप तीनों इकट्ठे, मतलब ये भी होता है ना कि सगी बहनें इकट्ठे, को शुरू से सोचा हुआ था कि हम इकट्ठे जो है एक ही बैंड बना लेंगे और मिलके काम करेंगे? नहीं, सोचा नहीं था। हम लोग पहले अपने अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में करते थे, फिर परमिशन के चक्कर में अब्बा ने बोला कि ओके करना है तीनों इकट्ठी कर लो। अच्छा, मतलब हमने इकट्ठे कर लिया था सबा ने, और स्टार्ट भी हमारा पीटीवी से ही था। या और ये चीज हमें मतलब एक हमारे लिए ऑनर की बात है कि पीटीवी से स्टार्ट था, और आज भी हम पीटीवी पे बैठे हैं। बिल्कुल, पीटीवी माशाल्लाह से हमेशा से आर्टिस्ट बनाता है, एग्जैक्टली एकेडमी है। बिल्कुल, सो मैंने नात के लिए ऑडिशन दिया था, और रमजान ट्रांसमिशन में नात पढ़ने के लिए मैं पीटीवी पे बुलाया उन्होंने मुझे, और मैंने नात पढ़ी, लाइव नात थी। उसके बाद उनको मेरी नात इतनी अच्छी लगी,
और उन्होंने कहा कि क्या गाना भी गा लेती हैं आप। मैंने कहा यस गाना भी गा लेते हैं। तो और मैंने कहा मेरे साथ मेरी बहनें भी हैं, वो भी बड़ा अच्छा गाती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप तीनों बहनें आ जाएं। भी राजी खड़ी थी जैसे और बहनें तो पहले से आ गई और बहनें चल पड़ी, बहनें तैयार खड़ी थी। यस, और गाना रिकॉर्ड किया, तीनों ने गाना गाया। ये चांद रात का शो था, वो पीटीवी पे बहुत पसंद किया गया, मैं तो मेरा दिलबर जानी। फिर उसके बाद 2 साल का गैप आया क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था वेयर वी हैव टू गो, कि अपने कैरियर को प्लान कैसे करें। यस, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बुला रहे हैं कुछ लोग हमें, ये था शुरू शुरू में बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट के साथ शायद, और कुछ ऐसा भी था सीन के अभी आपकी प्रमोशन है, अभी आपको ऐसे ही आना पड़ेगा। हम सोचते थे जाना भी है लेकिन कैसे मैनेज करें। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब कर रही थी। 2 साल का गैप आया, अब्बू ने काफ़ी फिर साथ दिया और अब्बू ने कहा कि ये ऐसे नहीं होना, और तुम लोग अभी पैशन भी है तो मैं आप लोगों को ऐसा सजेस्ट करूँगा कि स्टडीज़ कम्प्लीट हो गई हैं, अब हम इस प्रोफेशन को शौक को देखते हुए फिर हम लाहौर शिफ्ट हुए पूरी फैमिली। अच्छा, नॉट वी थ्री ओनली, पूरी फैमिली की सपोर्ट है हमारे साथ, स्पेशली अब्बू की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो फिर हमने यहाँ पर आकर जब बहुत सारा काम किया और अपना शौक पूरा किया, पैसे भी अच्छे खासे कमा लिए, और फिर अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें अच्छी हो गई। अच्छा जी, क्या सुना रहे हो? अगेन इट्स अ फोक सॉन्ग, सबने सुना होगा, सबको बहुत पसंद है, लट्ठे दी चादर। सो वो सुना देते हैं आपको। उत्ते स्लेटी रंग लट्ठे दी चादर उत्ते स्लेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। लट्ठे दी चादर उत्ते स्लेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। तेरी माँ ने पकाया रोटियां, तेरी माँ ने पकाया रोटियां, असा मंगिया ते पै गईया सोटियां। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। वाह जी वाह, वेरी नाइस। क्या फ्यूचर प्लान्स है भैया, आगे क्या कर रहे हैं कुछ? अच्छा प्रेशर भी बड़ा आ जाता है जब थोड़ा सा आप नाम बना ले ना, फिर हर कोई ये पूछता कि अच्छा आगे क्या, आगे क्या करना, कोई अपना गाना आ रहा है ये वो, है ना? ये एक्चुअली काम ही ऐसा है, इसमें बस लगे रहना है, आपने बस कंटिन्यूटी के साथ लगे रहना है। आप ये नहीं, आप प्लान नहीं कर सकते कि मैं ये करने वाला हूँ या ये करने वाले, क्योंकि सडनली आपका प्लान चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग जो भी चल रहा होता है। सो, बस म्यूजिक है और यही प्लान है, यही फ्यूचर है, कर रहे हैं, जब तक अल्लाह ने हिम्मत दी है करते रहेंगे। जो लोग ये कहेंगे कि शादी कब होगी, उनको हम कह देते शादियाँ करवानी है अभी। जो लोग कह देते हैं सिंगिंग में क्या करना, उनको हम कह देते सिंगिंग में हम वीडियोस कर लेते हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी, क्या फ्यूचर प्लान्स है? आप मनवा सिस्टर्स इस ब्रांड को, इस बैंड को कहाँ देखती हैं? हमारा जो आगे काफी सोशल मीडिया के हवाले से बात करूंगी कि हमारे अपकमिंग बहुत से ट्रैक्स, बहुत से फोक सॉन्ग्स जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, और हम तीनों का मिशन भी यही है कि हम अपने जो यहाँ का हमारा कल्चर है, हमारा जो पंजाब का कल्चर और जो हमारा म्यूज़िक है, इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये हम तीनों का है कि इंशाल्लाह इस पे मज़ीद काम करें हम लोग। गुड गुड गुड। अच्छा, और मनवा सिस्टर्स नाम है ना, मनवा ये नाम आप लोगों ने पहले क्यों सोचा और इसका मीनिंग क्या है? यस, मनवा इज़ बेसिकली फ्रॉम द हार्ट, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मन, द वर्ड इज़ मन, एंड इट मीन्स हम जो काम भी करती हैं दिल से करती हैं, मन से करते हैं, कोई लालच नहीं है उसमें, कोई दिखावा नहीं है, कोई बहुत कुछ और चीज़ें नहीं है, हम लोग जो भी करते हैं बस मन से करते हैं, एंड प्योर ऑफ द हार्ट। ये हुमा ने रखा था ना। अच्छा, वेरी गुड भाई, ऑल द बेस्ट, बहुत सी दुआएं मनवा सिस्टर्स तुम तीनों के लिए। मुझे आज याद आ रहा है, अभी हम मेकअप रूम में भी बात कर रहे थे, मैं सबा को बता रहा था के बेंजामिन सिस्टर्स तो आप सभी को याद है, फिर उसके बाद आई थी ट्रिपल एस सिस्टर्स, याद है, वो भी बड़ी मशहूर, और अब मनवा सिस्टर्स है ना। तो हर दौर में कोई
ये और तीन ही होती हैं बहनें, और बहनें ही होती हैं, आप देखें तीन भाई नहीं हमने सुने, ऐसे तीन भाई नहीं, अब भाई उस तरह से तो है, अब अली नूर और अली हमजा इस तरह से तो भाइयों वाला, उनके दो दो तक दो होते हैं, दो दो तीन, ये जुरत तीन लोग हैं, रागा बॉयज है, हाँ रागा बॉयज, यस रागा बॉयज है वो तीन, उनके साथ हमारे काफी प्रोग्राम ने पीटीवी पे भी प्रोग्राम किया रागा बॉयज है, लेकिन वो तीन आपका खैर चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, पांच बहने टोटल, लेकिन म्यूजिक में तीन ही बहुत है, बहुत मुश्किल है गुड भाई, बहुत सी दुआएं आप तीनों के लिए, फौजिया सबा और हुमा, जीते रहो, बहुत मजा आया, सेम है पीटीवी की तरफ से, राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से, बहुत सी नेक तमन्नाएं आपके लिए, और इसी तरह जब इस्लामाबाद पिंडी चक्कर लगे बस आपने मुकेश भाई को या मुझे कॉल करनी है कि जी हम आए हुए तो हम बुला लेंगे किसी दिन, इसी तरह जरूर जी आपके करीब, बहुत अच्छा लगा, जब कभी हमें लगेगा कि बचपन की यादों को ताजा करना है तो पीटीवी आ जाया करें, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, हम अब राइजिंग पाकिस्तान में आपसे इजाजत चाहेंगे, फातिमा छुट्टी टाइम है, बिल्कुल जी छुट्टी टाइम है, और आज के शो में बहुत कुछ था, ढोलकी तो थी लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो है अब्बास थे, और अब्बास ने हमें बहुत सारी ऐसे भी कुछ चीजें बताई जो कहते हैं कि आप लोगों को तो नहीं पता थी लेकिन वो हमें भी नहीं कुछ पता जी, बैक एंड स्टोरीज हमारी मूवीज की वो कुछ पता चली है, और उसके बाद जो भी सेगमेंट थे आपने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताना है कि कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा, मनवा सिस्टर्स की बातें और इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, जिंदगी रही, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।